स्ट्रम कम। अच्छा, हमने ये सिंपल इंडिटर्मिनेट बीम सॉल्व करनी है मेथड ऑफ फोर्सेस से। मेथड ऑफ फोर्सेस में होता है कि हम ना जो अननोन सपोज करते हैं वो एक फोर्स होती है, मतलब डायरेक्शन के ऊपर जो रिडंडेंट या एक्स्ट्रा फोर्स लग रही है उसको हम अननोन सपोज करते हैं, तो फिर उसे उस मेथड को कहते हैं हम मेथड ऑफ फोर्सेस। ये सिंपल इंडिटर्मिनेट बीम है, इसका सबसे पहले हमने इसको हमने सॉल्व करना है मेथड ऑफ फोर्सेस से। सबसे पहले क्या करना है इसमें, सबसे पहले इसके ना रिएक्शंस कैलकुलेट करो, कितने रिएक्शंस हो सकते हैं। ये यहाँ पर फिक्स पोर्ट है तो एक वर्टिकल रिएक्शन, एक हॉरिजॉन्टल और एक मोमेंट, और ये एक रोलर पोर्ट है, यहाँ पर एक वर्टिकल। तो टोटल रिएक्शंस है फोर, तो फोर रिएक्शंस है मगर बीम के लिए। ये बीम के लिए होता है कि हम ना अगर कोई हॉरिजॉन्टल लोड ना लग रहा हो, नो हॉरिजॉन्टल लोड, तो फिर हम ना हॉरिजॉन्टल वाले डायरेक्शन को इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल जो भी डायरेक्शन हो तो वो इग्नोर देते हैं, तो फिर हमारे पास ना बीम के लिए अगर कोई हॉरिजॉन्टल लोड ना रख रहा हो तो इनडिटर्मिनेसी की इक्वेशन क्या आती है, R-2 = 0। वैसे तो होता है R-3 = 0 क्योंकि डायरेक्शन सीन है, मगर क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल को इग्नोर कर रहे हैं तो इसलिए हम लेते हैं R-2 = 0। तो यहाँ पर भी ये जो हॉरिजॉन्टल है इसको इग्नोर कर दो, तो हमारे पास सेक्शन टोटल है 3 हॉरिजॉन्टल को इग्नोर करते हुए, और 3-2 = 1, तो मतलब 1 डिग्री। इसकी इस बीम की इनडिटर्मिनेसी है फर्स्ट डिग्री, ये बीम फर्स्ट डिग्री इनडिटर्मिनेट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम जो अब फाइंड करेंगे हमारा अननोन कितने होंगे, अननोन हमारे पास 1 होगा क्योंकि फर्स्ट डिग्री है, इनडिटर्मिनेट फर्स्ट डिग्री है, तो फिर अननोन हमारे पास 1 होंगे। हमारे पास इक्वेशन भी, मतलब हमने एक ही इक्वेशन को सॉल्व करना है तो उससे सिंपली आंसर आ जाएगा। तो अगर हमारे पास ये सेकेंड डिग्री होती है इनडिटर्मिनेट, समझो ये सपोज करो ये हमारे पास बीम है, दो फिक्स फोर्स हैं, यहाँ पर कुछ भी लोड लग रहा है पी, तो इसकी इंडिटर्मिनेसी कैसी कितनी होगी। हमने हॉरिजॉन्टल को इग्नोर करना है तो एक वर्टिकल एक मोमेंट, एक वर्टिकल एक मोमेंट, तो R-2 = 0, तो 4-2 = 2, ये सेकेंड डिग्री है, इंडिटर्मिनेट टू सेकेंड डिग्री। तो अगर हम इसको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल को सपोज हॉरिजॉन्टल हम सपोज करो कि हॉरिजॉन्टल को अगर हम लें तो फिर 6 हो जाएगा, 6-3 = 3, तो ये थर्ड डिग्री इंडिटर्मिनेट नहीं है, इंडिटर्मिनेट थर्ड डिग्री नहीं है क्योंकि हमारे पास हॉरिजॉन्टल लोड नहीं लग रहा, इसलिए वहाँ पे तो कुछ होना ही नहीं, इसलिए वो फिर एक्स्ट्रा ही हो जाता है, इसलिए हम इसको सपोज करते हैं सेकेंड में, ये सेकेंड से आराम से रहता है। तो बस ये हमने पहले, सबसे पहले हमें चेक करना है कि हमारी इन डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी कितनी है बीम की, ये 2 आ गई। अब इसके बाद हमने फाइंड कर इस हमने ये हमारे पास बीम है, चलो यहाँ पर एक रोलर स्पोर्ट है। अब हमने ना क्योंकि फर्स्ट डिग्री है, इनडिटर्मिनेट टू फर्स्ट डिग्री है, तो हमने एक सेक्शन को ना रिडंडेंट बनाना है, रिडंडेंट मतलब एक्स्ट्रा। तो अगर 2 होता सेकेंड डिग्री होती तो फिर 2 सेक्शन बनाना था, 3 होता 3 बनाना था, अब ये फर्स्ट है तो एक इसको एक ही। ये हमारे पास 50 लोड लग रहा है और ये 6, ये 6, इसको हमने इस बीम को हमने इस ऐसे कन्वर्ट करना है कि ये ना हमारे पास इंडिटर्मिनेट से ना डिटर्मिनेट बन जाए। तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं कि ये फिक्स पोर्ट, यहाँ पर लोड और ये 50। अब ये देखो ये सेकंड वाली बीम, ये फर्स्ट वाली है, ये सेकंड, तो ये देखो सेकंड वाली ये डिटर्मिनेट भी है और स्टेबल भी है, स्टेबल भी होना चाहिए, तो ये डिटर्मिनेट और स्टेबल भी है, मतलब ये हमारा ठीक है। तो हमने ये जो इनडिटर्मिनेट बीम है इसको यहाँ पे जो रिडंडेंट डायरेक्शन था ये वाला, इसको रिमूव करके हमने ये डिटर्मिनेट बीम बना दी है। इसको हम वैसे इस तरह भी कर सकते हैं, मतलब ये हमारे पास है, ये हमारे इनडिटर्मिनेट बीम है 50, ये 6, 6, ये रोलर स्पोर्ट है, तो हम इसको इस तरह कन्वर्ट कर दो कि यहाँ पर एक हिंज लगा दो, एक ये यहाँ पर रोलर लगी हुई है, मतलब अभी इस वाली बीम में हमने यहाँ पर जो है ना मोमेंट उसको रिडंडेंट बनाया है, इसमें हमने यहाँ पर वर्टिकल एक्शन को रिडंडेंट बनाया है, रिडंडेंट बनाया है, यहाँ पर हमने इस मोमेंट को रिडंडेंट बनाया है। तो मतलब तुमने एक चीज़ को रिडंडेंट बनाना है, या मोमेंट को बना दो या वर्टिकल एक्शन बना दो,
हॉरिजॉन्टल तो है ही नहीं ना, उसको इग्नोर करो। तो इस क्योंकि फर्स्ट डिग्री है इसलिए हमने एक को बनाना है। हम ऊपर वाले सपोज करते हैं, वो ज़्यादा इजी है। फिक्स सपोर्ट करोगे तो वो ज़्यादा इजी रहेगा तुम्हें, अभी बाद में देखना पता चलेगा। अच्छा ये कोई अभी ये मतलब ये गाइब तो हमने कर नहीं सकते, तो इसके आगे एक और बना दो। इसको हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर वो होता है कि जो स्टेबल हो, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब यहाँ हम इससे दो रोलर नहीं बना सकते, ये तो अनस्टेबल है। और सेकंड चीज़ हमारे पास के डिटर्मिनेट होगा, डिटर्मिनेट भी होना चाहिए, इसलिए तो हम वैसा कुछ कर रहे हैं। स्टेबल और डिटर्मिनेट ये दोनों होना चाहिए। अच्छा अब ये हमारे पास बीवा जो है उसके लिए हमने एक और बना लो, पहले फिक्स पोर्ट है यहाँ पर बीवा लगा दो। यहाँ पे इसने वर्टिकल डायरेक्शन ही देना था ना, तो हमने उसको बीवा एक्सपोज कर लिया। तो ये हमारे पास एक प्राइमरी स्ट्रक्चर बन गया, एक ही एक्स्ट्रा जो रिडंडेंट है ना उसको फोर्थ पॉइंट के लिए। अगर हमारे पास दो सेकंड डिग्री होती तो फिर हमने यहाँ पे दो स्ट्रक्चर बनाने थे एक के बजाय। इसको अब हम रिफ्लेक्शन के तौर पर लिख लेते हैं। ये हमारे पास फोर्स मेथड है, इसमें अननोन हमारे पास हैं फोर्सेस, और जिससे हमने फाइंड करने हैं अननोन मतलब फोर्सेस को फाइंड करना है वो होंगे हमारे रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन को लेकर हमें फोर्सेस फाइंड करनी है। 6 मीटर 6 मीटर। अच्छा इसकी रिफ्लेक्शन कैसे होगी? फिक्स पोर पर रिफ्लेक्शन जीरो होती है, किसी भी पोर पर रिफ्लेक्शन जीरो होती है, ये पता होगा। फिक्स पोर पर रिफ्लेक्शन भी जीरो होगी और फिक्स पर मैं लिख देता हूँ रिफ्लेक्शन हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी दोनों जीरो, और यहाँ पर थीटा मतलब रोटेशन वो भी जीरो। मतलब यहाँ पर रोटेशन भी जीरो होती है फिक्स पोर पर, यहाँ पर रिफ्लेक्शन भी जीरो है। हिंज पे, हिंज पर क्योंकि ये डायरेक्शन देती है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो हमारे पास वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ये रिफ्लेक्शन जीरो होती है, और यहाँ पे थीटा मतलब ये रोटेशन जीरो नहीं होती हिंज के ऊपर। इसी तरह रोलर के ऊपर सिंपल हमारे पास सिर्फ वर्टिकल रिफ्लेक्शन जीरो होती है। जिस डायरेक्शन में हमारे पास रिफ्लेक्शन दे रहा होता है उस डायरेक्शन में उनकी रिफ्लेक्शन या रोटेशन जीरो होती है। फोर्स का डायरेक्शन हो तो फिर रिफ्लेक्शन जीरो, मोमेंट का डायरेक्शन तो रोटेशन जीरो। अच्छा ये था इज इक्वल टू, ये हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर। अच्छा प्राइमरी स्ट्रक्चर में फोर्सेज जो भी हमारे पास ये गिवन ही फोर्सेज है मतलब 50 लग रही है, यहाँ पर वही फोर्सेज आएंगे बिल्कुल एग्जैक्ट वही तरह। सिर्फ यहाँ पर हमने रिएक्शन को गाइड करना है जो रिडंडेंट है, बाकी सारा कुछ ही वैसे ही होगा। तो हमने यहाँ पर ये जो बी वाला है इसको हमने गायब कर दिया है, बाकी वैसे के वैसे। प्लस अब जो एक्स्ट्रा हमारे पास ये रिडंडेंट है डायरेक्शन, इसमें हमने कोई और फोर्स नहीं लगानी, सिर्फ वही जो हमारे पास डायरेक्शन से आ रही है मतलब ये बी वाई। समझो अगर यहाँ पे हमने मोमेंट को रिडंडेंट किया होता, ये सपोज करो ये इसको हमने इस तरह कंसिडर मतलब जिससे मैंने पहले बताया था पीछे कर लेते थे। ये यहाँ पर हमने मोमेंट को जीरो किया है तो मतलब मोमेंट को डिनोट किया है, तो फिर ये इसका पहला तो आगे प्रमिस रखिए। इसमें सेकंड क्या होना था वो भी इस साइड बना दो। यहाँ पर सिंपल एम ए मतलब मोमेंट एट ए, कुछ भी ये ए पॉइंट है ना तो एम ए लगा दो। जिस तरह यहाँ पे हम बी वाई डायरेक्शन में लगा रहे हैं फोर्स में लगा रहे हैं क्योंकि हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन था, यहाँ पर हमने रोटेशन या मोमेंट को जीरो किया है तो फिर हमने मोमेंट लगाना है। ये डिस्टेंस ये 6 + 6 = 12 वो आ गया सिंपल। हाँ बाकी ये वही है ये बी ए सी बस। अब ये देखो हम किसी भी पॉइंट पे, हमने बी पॉइंट पे देखना है क्योंकि हमें पता है यहाँ पे डायरेक्शन है ना जिस पॉइंट का हमने डिटरमिनेंट किया है। ऐसा पहले इसके वो बना देते हैं, इसकी रिफ्लेक्शन वैसे ही यहाँ पे फिक्स पॉइंट पे जीरो, और यहाँ पर क्योंकि ऊपर से फोर्स लग रही है तो नीचे कोई जाएगी ना, तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्शन होगी। इसको सपोज कर लो डेल्टा बी बना दो रिफ्लेक्शन एट बी। मैं इरेज कर देता हूँ, ये हमारे पास इलास्टिक कर्व इस तरह बनेगी, इस तरह रिफ्लेक्शन एट बी। इस तरह इसकी रिफ्लेक्शन कैसे होगी क्योंकि ये हमारे पास ऊपर को लग रही फोर्स, तो जाहिर सी बात इसकी रिफ्लेक्शन इस तरह जाएगी। इसको हम सपोज कर लो
ये डेल्टा डैश बी बी, मतलब फोर्स किस पॉइंट पर लग रही है, या फिर इसको इधर मैं ड्रॉ करता हूँ, ये देखो ये हमारे पास हमने ये पॉइंट हम जो बी है उसको सपोज करना है, ये डिफ्लेक्शन यहाँ पे फाइंड करनी है, डिफ्लेक्शन कुछ भी इस तरह आती है समझा, यहाँ पे फोर्स लग रही है, तो हम इसको लिखेंगे डेल्टा डैश बी बी, इसका मतलब कि फोर्स किस पॉइंट पर लग रही, सॉरी डिफ्लेक्शन किस पॉइंट पर हो रही है, ये है बी, और किस फोर्स से हो रही है, ये फोर्स जो इस जिस पॉइंट पर लग रही है, यहाँ पे बी पे लग रही है, या फिर इसको या इस तरह देखो, तो यहाँ पर ये पॉइंट सी है, तो यहाँ पर फोर्स लग रही है, रिफ्लेक्शन तो इधर बी पे भी होगी जैसी बात है, तो इसको हम लिखेंगे बी सी, कि डिफ्लेक्शन हो रही है बी पॉइंट पर किस फोर्स से, जो फोर्स वो सी पॉइंट पर लग रही है, बी पॉइंट पर डिफ्लेक्शन हो रही है सी पॉइंट पर फोर्स है, इसको हम इस तरह लिखेंगे कन्वेंशन, यहाँ पे है कि डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी फ्रॉम द फोर्स एक्टिंग एट पॉइंट बी, यहाँ पे डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी फ्रॉम द फोर्स एक्टिंग एट पॉइंट सी, तो बस इसमें कंफ्यूज नहीं होना, मतलब समझो एक और दिखा दूँ, अब हमने यहाँ पे सी पॉइंट फाइंड करनी डिफ्लेक्शन, ये डेल्टा डैश है, हमारे पास फोर्स लग रही है बी पॉइंट पे, कुछ भी जितनी मर्जी लग रही हो, तो हम इसको सी पॉइंट पे लिखेंगे डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी, डेल्टा सी आ गया, फ्रॉम द फोर्स एक्टिंग एट पॉइंट, ये समझो बी है, सी बी, ये सी बी हो गया, अच्छा यहाँ पे डेल्टा बी है, यहाँ पे डेल्टा डैश बी भी, क्योंकि ये देखो अब देखो यहाँ पर ये हमारे पास जो असली क्वेश्चन था इसमें यहाँ पे रोलर स्पोर्ट है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन होगी वर्टिकल डायरेक्शन में वो जीरो होगी, तो हम इस तरह लिख सकते हैं डिफ्लेक्शन का सम, यहाँ पर जीरो, इसकी डिफ्लेक्शन कितनी है, जीरो इज इक्वल टू, यहाँ पर डिफ्लेक्शन क्या है, डेल्टा बी, क्योंकि डाउनवर्ड है इसको माइनस में लिख दो, डेल्टा बी कन्वेंशन, मतलब नीचे वाले डिफ्लेक्शन नेगेटिव ऊपर वाले पॉजिटिव, वरना इसको पॉजिटिव भी लिख दो कोई मतलब नहीं है, अगले को नेगेटिव कर लेंगे, या जिस मर्जी डायरेक्शन का कोई मसला नहीं होता, तो मगर ठीक भी उल्टी भी लिख दो आंसर नेगेटिव आ जाएगा बस, और कुछ नहीं फर्क पड़ता, वो पता चल जाता है बच्चे, तो डेल्टा डैश डबल बी, यहाँ पे रिफ्लेक्शन दी ऊपर का तो पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ये हमारी बस इक्वेशन है, हमने यहाँ पे देखा जहाँ पे जीरो डिफ्लेक्शन है इज इक्वल टू, यहाँ पे डिफ्लेक्शन क्या है बी पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे देखना है, बी पॉइंट पे यहाँ पे जीरो डिफ्लेक्शन, यहाँ पे बी पॉइंट पे हमारे पास कितनी डिफ्लेक्शन है डेल्टा बी, यहाँ पर बी पॉइंट पर डिफ्लेक्शन कितनी है डेल्टा डैश बी, तो इनका सम इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहाँ पे जीरो था हमारा असली स्ट्रक्चर में, यहाँ पे स्पोर्ट है, अगर यहाँ पे किया होता, यहाँ पे लिखा होता कि यहाँ पे बी पर हो गई है सेटलमेंट, सेटलमेंट हो गई समझो 40 mm, तो इस यहाँ पे बस जीरो की जगह बस आ जाता 40 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा बी प्लस डेल्टा डैश बी, वही कि यहाँ पर बी थोड़ी सी सेटल हो गया नीचे चला गया 40 mm, वो कितना किसके इक्वल है इस डिफ्लेक्शन के प्लस इस डिफ्लेक्शन की बस, और कुछ फर्क और कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है, अब ये हमारे पास लिखते हैं जीरो इज इक्वल टू माइनस डेल्टा बी प्लस डेल्टा डैश बी बी, अच्छा अब हमें पता है कि जीरो इज इक्वल टू माइनस डेल्टा बी, ये तो हमें फाइंड कर लेंगे, डेल्टा डैश बी बी क्या होता है, अच्छा हम इसको इस तरह लिख रहे हैं, चलो डिफ्लेक्शन जो होती है ना हमारे पास कोई भी इसी पॉइंट पर डिफ्लेक्शन वो इक्वल होती है उस पॉइंट पर फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशिएंट एफ बी बी इनटू उस पॉइंट पर कितनी फोर्स लगती है, मतलब ये देखो यहाँ पर हमारे पास है ये बीम है, तो यहाँ पर फोर्स लगती है बी में, तो ये जो ये डिफ्लेक्शन होगी वो इक्वल होगी डेल्टा डैश बी बी इज इक्वल टू एफ बी बी, कि फ्लेक्सिबिलिटी किस पॉइंट पर, बी पॉइंट पर फोर्स कौन सी लग रही है बी वाली इंटू बी वाई, अगर इस तरह होता है समझो इसको हम इधर यहाँ पे डेल्टा डैश बी बी को एफ बी बी इंटू बी वाई, अच्छा इसको हम इरेज कर लेते हैं, इसको अगर हम इस तरह लिखें अगर ये बीम है हमारे पास लोड लग रहा है सी पर, डिफ्लेक्शन हमने फाइंड कर दिया बी पर,
डेल्टा डैश क्योंकि बी पर फाइंड करनी है सी पर फोर्स से, ये सी है ये बी है, इज इक्वल टू एफ, वो भी वैसे ही आएगा क्योंकि बी पर फ्लेक्सिबिलिटी फाइंड करनी है सी के ऊपर फोर्स से इंटू, अब ये फोर्स कौन सी लगी, फोर्स हमने क्योंकि सी वाई लेनी है, बी ये फोर्स क्योंकि थी सी वाई, सी पर लगनी रिफ्लेक्शन हमने बी पर फाइंड करनी है इसलिए हमें बी लग दी है, मगर फोर्स तो सी पर ही लग रही है तो हम यहाँ पर फोर्स सी वाई लेंगे, ये देखना है। अच्छा हम इधर थे, इस इक्वेशन में हम डिफ्लेक्शन फाइंड कर लेंगे सिंपल, किस तरह हमारे पास बहुत ज़्यादा मेथड है, मतलब यूनिट फोर्थ मेथड, मूवमेंट एरिया मेथड, यूनिट फोर्स, ये वर्चुअल वर्क जिसे कहते हैं, और कैसिलियानो और डबल इंटीग्रेशन और स्लोप डिफ्लेक्शन, मतलब बहुत ज़्यादा मेथड है। तो हमें ये पता चल जाएगा डिफ्लेक्शन, फ्लेक्सिबिलिटी भी हम फाइंड कर लेंगे, वो देखना भी फाइंड कर लेंगे, हमें जो अननोन है जो शुरू में अननोन था वो बी वाई था, तो इसको हमने सेपरेट कर लो, तो बी वाई क्या आया डेल्टा बी ओवर एफ बी, बस ये हमारी इक्वेशन है, इसके अंदर ही हमने फाइंड करना है डाल के। अच्छा अब हम ये फाइंड करते हैं डेल्टा बी, फिर बाद में एफ बी भी फाइंड कर लेते हैं, डेल्टा बी इस वाली से आ जाएगा, ये वाली से इन्हीं से देखते हैं, मतलब हमारे पास ये था यहाँ पे 50 लग रही थी, यहाँ पे डिफ्लेक्शन हो चुके हम डेल्टा ने उससे हमने नहीं दिया था डेल्टा बी, तो इसको बस हम निकाल लेते हैं, मतलब ये पॉइंट हमारे पास क्या है ए सी ये बी, तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन मैं कैस्टिलियानो से कर देता हूँ, वो बिल्कुल सिंपल ही है इसके लिए, हमें इरेक्शन भी फाइंड नहीं करना पड़ता, मतलब हम पहला सेकंड काटते हैं यहाँ पर ये वाला, तो यहाँ पर तो कोई फोर्स ही नहीं लग रही, ये तो डिफ्लेक्शन है, तो ये कर देता हूँ, यहाँ पर कोई फोर्स ही नहीं लग रही तो यहाँ पर सिंपल आ जाएगा कि ये डेल्टा बी इज इक्वल टू, हमें बी पर फाइंड करना है, अच्छा हमने बी पर फाइंड करना है डिफ्लेक्शन, तो यहाँ पर हमने वो लगाना पड़ेगा वो, सॉरी यहाँ पर ना हमने फ्रिक्शन लोड लगाना है या फ्रिक्शन लोड, जिस पॉइंट पर हम फाइंड करते हैं डिफ्लेक्शन वहाँ पर हमने कोई भी फोर्स लगानी होती है, फोर्स लगी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर नहीं लग रही, हमने सपोज कर लिया पी, तो ये पी है, ये एक्स है, ये पहला हमारा सेक्शन है, तो कास्टिलियानो सिंड्रोम किसे क्या कहते हैं, वन ओवर ई आई जीरो टू एल, एल मतलब जो भी सेक्शन है, क्योंकि ये हमारे पास बी सी सेक्शन है, ये बी सी, तो ज़ीरो से ये सिक्स मीटर था, ये भी सिक्स मीटर था, ज़ीरो से सिक्स, अब यहाँ पर मोमेंट इक्वेशन क्या बनेगी, पी इंटू एक्स, ये क्योंकि डाउनवर्ड है तो माइनस पी इंटू एक्स, डाउन फोर्सेज हॉगिंग करती हैं इसलिए हम उन्हें नेगेटिव लेते हैं अपवर्ड से आगे, तो वो पॉजिटिव, अब इसका ये कैस्टिलियानो मैं इससे ले लेता हूँ, डिफ्लेक्शन एट समथिंग पॉइंट ए इज इक्वल टू वन ओवर ई आई जीरो टू एल, यहाँ पर रहेगा मोमेंट और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू फोर्स, ये आएगा इस तरह, तो हमें मोमेंट की चेन लिख दी माइनस पी एक्स, अब हमें पार्शियल डेरिवेटिव लेना है इसका विद रिस्पेक्ट टू पी, फिर पार्शियल डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस एक्स, ये क्योंकि वन हो गया प्लस, ये था पोर्शन बी सी के लिए, अब अगला पोर्शन ए सी के लिए, वन ओवर ई आई जीरो टू सिक्स, चलो हम इसको देख लेते हैं, ये हमने पोर्शन ए सी काटा है, तो अगर हम यहाँ पे इसका सेंटर लें सी तो फिर ज़ीरो टू सिक्स आएगा जो मैं अभी कर रहा हूँ, या फिर अगर तुम इसका बी सेंटर ले लो फिर इतना ही ले लो ये एक्स, तो फिर ये ज़ीरो टू ये सिक्स टू ट्वेल्व हो जाएगा, मगर फिर ये हमारी लिमिट सिक्स टू ट्वेल्व हो जाएंगी वो, और यहाँ पर इक्वेशन सिंपल ही रहेगी, जैसे जिस मर्जी मैसेज कर लो कोई मसला नहीं है, देखो सिक्स टू ट्वेल्व कर लेते हैं, चलो हमने सेंटर बी रखा है, ए सी का भी बी है ओरिजिन, इसका भी बी ही ओरिजिन है, तो पी इंटू एक्स माइनस पी इंटू एक्स, और इसका माइनस फिफ्टी इंटू ये टोटल था सिक्स, यहाँ से यहाँ तक सिक्स है,
टोटल है एक्स, ये कितना बन गया, ये बन गया एक्स माइनस सिक्स, माइनस 50 इंटू एक्स माइनस सिक्स। इसका डेरिवेटिव ले लो, डेरिवेटिव आएगा माइनस पी एक्स का माइनस एक्स, और आगे उसका पी है इंटू जीरो हो गया। तो ये बस इक्वेशन बन गई। अब अगले बार में इसको पी आर जहाँ पर फिक्शियस था उसको जीरो पुट कर दो, अपनी तरफ से लगाया था हमने वन ओवर ई आई, ये जीरो इंटू ये सारा कुछ जीरो हो गया ठीक है, प्लस वन ओवर ई आई सिक्स ट्वेल्व, ये जीरो हो गया, और ये बस माइनस फिफ्टी माइनस ये कितना बन गया फिफ्टी एक्स इंटू एक्स माइनस सिक्स डी है। बस इसको सॉल्व कर लो तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा यहाँ पर रिफ्लेक्शन की वैल्यू, तो ये आती है 9000। तो रिफ्लेक्शन एट बी क्या बन गई, तो मैं रिफ्लेक्शन एट बी इज इक्वल टू 9000 ओवर ई आई। हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब देखो यहाँ पर हमें चाहिए था डेल्टा बी और एफ बी भी, डेल्टा बी आ गया, एफ बी भी फाइंड करना है वो निकाल लेते हैं, फिर उसके अंदर हम डाल के बी वाई फाइंड कर लेंगे। अच्छा अब डेल्टा बी के लिए, डेल्टा बी के लिए हम ये सेकेंड वाले यूज़ करेंगे, ओह सॉरी एफ बी बी के लिए अब ये हम सेकेंड वाला यूज़ करेंगे। कैसे, ये हमारे पास है बी यहाँ पर बी वाई लिख रहा है, तो ये रिफ्लेक्शन हो रही है डेल्टा डैश बी वी बी के ऊपर ये है। अच्छा क्योंकि ये डेल्टा डैश बी बी इज इक्वल टू एफ बी बी इंटू बी वाई, तो अगर हम बी वाई को सपोज करें वन, बी वाई अगर हो हम यूनिट फोर्स लगाएं यहाँ पर, तो डेल्टा डैश बी वी इज इक्वल टू एफ बी बी बन जाएगा क्योंकि बी वाई तो वन हो गया। तो अगर हम बी वाई को हम यहाँ पे यूनिट फोर्स लगाएं बी वाई, तो जो भी यहाँ पे डिफ्लेक्शन है डेल्टा डैश बी बी जो हम आराम से फाइंड कर सकते हैं इसी तरह कैस्टिलियानो से, तो वही फ्लेक्सिबिलिटी कॉन्स्टेंट होगा यहाँ पर। तो बस यही करना है यहाँ पर, यहाँ पर लगाओ तुम, यहाँ पर अगर हम यूनिट फोर्स लगाओ, ये हमारे पास पूरा है ए बी क्योंकि यहाँ पर और फोर्स नहीं लग रही, दरमियान में काट लो कहीं पर भी सेक्शन, ये बन गया एक्स, तो इसको बी वाई क्यूब या इसको कह दो पी क्योंकि हम कैसे पी में पी यूज़ करते हैं ना, पी इज इक्वल टू वन। तो रिफ्लेक्शन एट बी इज इक्वल टू इसमें वन ओवर ई आई ज़ीरो टू एल, अब ये पूरी बीम है तो ज़ीरो टू ट्वेल्व हाफ कर लो तो एक ही बात होती है क्योंकि और फोर्स नहीं लग रही, तो जाहिर सी बात है एक सिंपल सीधा ही कुछ मसला नहीं है। जो ट्वेल्व अभी हमारे पास यहाँ पर मोमेंट डिवीजन क्या होगी, पी इंटू एक्स, इसका पार्शियल डेरिवेटिव एक्स आ गया डी एक्स। पॉजिटिव क्यों लिया है, क्योंकि हमारे पास ये अपवर्ड डिफ्लेक्शन हो रही है, ये फोर्स अपवर्ड लग रही है तो अपवर्ड फोर्स है, तो क्योंकि यहाँ अब हमारे पास पी की वैल्यू वन है, ये यूनिट फोर्स नहीं है ये वन है, तो ये यूनिट फोर्स ही है, ये ज़ीरो नहीं है, फिक्शियस नहीं है, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स बच गया। तो डेल्टा डैश बी बी की वैल्यू आ रही है 576, ये वैसे ही यही आ गया। अब क्योंकि हमने कहा था कि डेल्टा डैश बी बी इज इक्वल टू एफ बी बी इंटू बी वाई, बी वाई हमने वन लिया वन, तो एफ बी बी और डेल्टा बी बी सेम होंगे, तो इज इक्वल टू एफ बी बी, वो भी यही आ गया। अब वैसे अब वही सिंपल इस इक्वेशन में आ जाओ, बी वाई इज इक्वल टू डेल्टा बी बी, डेल्टा बी 900 ई आई डिवाइडेड बाय वो था 576 ओवर ई आई।
यही वैसे ही कैंसिल हो जाता है। तो ये बना 15.625, बी वाई आया 15.625 किलोमीटर। अब ये देखो हमारे पास ये हमारी ओरिजिनल बीम थी, यहाँ पर एक 50 लोड लगा था, अब यहाँ पे बी वाई की हमने वैल्यू पे चल गई, वो क्या आ रही है 15.625। ये बोला इरेक्शन, यहाँ पर जो इरेक्शन है वो निकाल लो, ये पर सिंपल वर्टिकल एफ वाई ज़ीरो करो, यहाँ पर क्या आएगा ये वी ए प्लस 15.625 इज इक्वल टू 50, वी ए इज इक्वल टू 34.375। इस तरह मोमेंट ऑफ डे निकालो, समेशन मोमेंट ऑफ डे इज इक्वल टू 0, तो 50 इंटू 6 माइनस 15.625 इंटू 12 प्लस एम ए इज इक्वल टू 0, तो एम ए की वैल्यू एम ए माइनस 112.5 किलोमीटर मीटर। एज तो वैसे ही 0 होना है, तो मतलब एम ए इस तरह 112.5। हमने इसे एंटी क्लॉकवाइज लिया है, क्लॉकवाइज को हमने पॉजिटिव लिया था, ये आ गया 34.375। बस जब ये बीम सॉल्व होगी इसकी बेंडिंग में शेयर हो जाएगा, हम ड्रॉ कर लो ये दरम्यान में पॉइंट सी है यहाँ पर 0, वो 34.3, यहाँ पे 34.375, यहाँ पर कोई 14 आएगी 34.375, 50 माइनस पर तो 15.625 भी आएगा 15.625। ये बन गई इसकी शेयर फोर्स, बस ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। इसे बैंडिंग मोमेंट यहाँ पर शुरू में माइनस 112.5, तो ये इसको नीचे ले जाओ 112.5 मोमेंट लग रहा है। अब प्लस कर दो ये 34.375 इंटू 6 मिनट, तो ये वैल्यू आई 93.75, मतलब पॉजिटिव में चला गया 93.75। अब क्योंकि ये 0 डिग्री है, यहाँ पर ये 1 डिग्री लाइन होनी चाहिए, 1 डिग्री आ गई, अभी माइनस करो एरिया, तो ये 0 ही होना चाहिए, तो ये 1 डिग्री लाइन आ गई। बस इसी तरह सारे करने हैं।